अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। यह मशीन बनाने वाले लोगों के दस्तखत हैं। ये तीन लोग हैं, इन तीनों के सुपर पावर को मिलाकर ये मशीन बनाई गई है और इसीलिए 2015 इन दोनों के बिना अकेले इस मशीन को रिपेयर नहीं कर सकते। कोटला भाई, वो जो लड़का था ना स्विमिंग पूल पे, जो एक रात अचानक ऐसे किडनैप हो गया था, अरे वो जैकी का दोस्त। हाँ हाँ, तो वो मिल गया है। उसे मैंने फोन करके यही बुलाया है, बस चकुड़ी उसे लेकर यहाँ आती होगी। आप है ना, एक काम कीजिए, वो आपके जो एलियन वाले चश्मे है ना, उससे देख के तुरंत जान लीजिए कि वो आपका बेटा 2015 है कि नहीं। फैंटास्टिक आइडिया। अच्छा, चश्मा ला। मेरे पास नहीं है। क्या मेरे पास नहीं है? जाओ ढूंढो, जल्दी लेकर आओ। अरे वो तो आयना के पास है। अरे शरद, कमाल कर रहे हो तुम। आयना पहन के अभी शॉपिंग करने निकलेगी, अब क्या करेंगे? पापा, चाचा उसका मन पढ़ लेंगे ना। हाँ, 2015 क्या गया गया? मैं तो इधर ही हूँ। अरे तुम नहीं, इधर देखो, इधर। ओ, कुर्सी तो खाली है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। पर इस पे बैठा था कौन? वो तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी आसपास ही होगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आइए आइए आइए, डरिए मत, आइए। यही वो घर है और यही वो बा है, मेरी बा, जिन्होंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया है। बा, इनसे जो भी पूछना है जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि इनको वापस अपने घर जाना है। क्यों, तू इसकी सेक्रेटरी है? इधर। होटल भाई, ये रोहन है, माउंटेन टॉप क्लब में यही स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था कुछ महीनों पहले। नमस्ते, ये आंटी बता रही थी कि आप किसी मुसीबत में हैं और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बताइए कैसे मदद कर सकता हूँ आप लोगों की? पता नहीं वो किस मुसीबत में होंगे, मेरे मम्मी पापा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इन लोगों को जो भी पूछना है वो जल्दी पूछ लें तो मैं घर जाऊं। हाँ, आप जा सकते हैं अपने घर। मतलब आप वो नहीं है जो हमारी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। ओके। ओए। रो मत वर्षा। देखो हमारे 2015 ने हमसे संपर्क भी किया है, बस बहुत जल्द वो हमारे साथ होगा। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो किस रूप में है और कहाँ है। हाथ तो दे, भाग गया। बसंत, क्या हुआ? अच्छा, स्मिति सिंह ने जबरदस्त खबर दी है। वो मां बनने वाले हैं। हाँ, अरे स्मिति सिंह मां कैसे बन सकता है? हाँ, अरे हाँ, वो तो कुरुष है ना। कुरुष ऐसे नहीं करते बेटा, मैं करता। क्या? अरे वो पुरुष, वो पारसी पुरुष, भुजवाला। पीटी सिंह पुरुष है। नहीं पापा, नहीं। अरे भैया, हेमंत, वो पत्थर वाले भगवान के यहाँ पे जो दिया है ना, वो अकेला बोर हो गया, तू जा और उसे कंपनी दे। वेरी गुड, वेरी गुड।
दिलचस्प खबर क्या है? वो जो तीसरा इंसान था ना, किसके मरने की खबर मिली थी स्वीटी सिंह को पहले? हाँ। लेकिन जब स्वीटी सिंह ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला वो इंसान जिंदा है। अब लॉजिकली फिर तो यही बात बनती है भैया कि 2015 किसी भी मरे हुए आदमी का रूप ले सकता है ताकि उसका कोई जिंदा हमशक्ल ना हो। हाँ। इससे कांटेक्ट करना चाहिए हमें। अरे एक मिनट, लेकिन उस 10 साल के बच्चे का क्या हुआ? जेरी फर्नांडिस। ओ, उसके बारे में पता चला ना? क्या? वो अपने परिवार के साथ गायब हो गया था। वो लोग कहीं मिडिल ईस्ट चले गए थे, इसलिए उनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन अब वो लोग वापस आए हैं, और जब से वो लोग वापस आए हैं उनका व्यवहार कुछ अजीब सा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी जगह पर कोई और आया है, ऐसा एना ने कहा। ओके ओके, अच्छा तो एक काम करो, शरद ऐना से कहो कि उस परिवार से कांटेक्ट करे, और तुम दोनों जाकर मिलो और पता करो कि वो लोग इंसान हैं या इंसान के रूप में एलियंस हैं। कहीं वो जैकी 212 और हमारा बेटा 2015 तो नहीं? वर्षा भाभी, ये देखिए, ये जो मरा हुआ इंसान है ना, जो अचानक जिंदा पाया गया है, उसका नाम शिव हरि यादव है। और ये उसके घर का पता। शाबाश, शिव हरि यादव। वर्षा, तुम चलते इस यादव के घर। और शरद तुम? मैं समझ गया। चलो चलो जल्दी चलो। एक आवाज में तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई, मेरे लिए उतना ही बहुत है। आई डोंट बिलीव दिस। शरद, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हो या नहीं? हाँ हाँ हाँ। ऐना मानव ने कहा है कि जो तुम्हारा दूर का कजन है जेरी फर्नांडिस, उनको फोन करो और पता करो कि वो घर में है कि नहीं, ताकि लॉजिकली हम दोनों वहां जाकर पता करें कि वो 2015 है या नहीं। ओके। अरे ऐना, तुम वापस ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रही हो? क्योंकि मेरा फोन उधर ही। इडियट, फोन कैसे करूंगी? पॉइंट। हमने इन दोनों को तो गुमराह कर दिया, लेकिन 1313 बहुत शातिर है, उसने हमें इतने आसानी से भागने कैसे दिया? क्या बात कर रहे हो 2015? अरे हम उसकी कैद से थोड़ी ना भाग के निकले, हम तो उनके दो बेवकूफ चमचों की आंखों में पत्थर झोंक कर भाग कर निकले। धूल झोंकते हैं इंसान इंसान की आंखों में, पत्थर नहीं। पत्थर कैसे झोंकेंगे, लगेगा नहीं। लेकिन कुछ इंसान की आंखें बड़ी होती है ना? इतनी बड़ी भी नहीं होती कि उनमें पत्थर झोंके जा सके। धूल, एक मिनट, ये देखो, धूल झोंक ना, धूल झोंकते हैं, पत्थर मारते हैं। ओके ओके। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि
कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। एक तो 2 साल बाद हम 1313 की गिरफ्त से बच के निकले। एक काम करो ना, जल्दी से हाईकमांड को कांटेक्ट करो, उन्हें सब बता दो ना। नहीं, अगर मैंने हाईकमांड से कांटेक्ट किया तो वो अभी के अभी मुझे ऊपर के ग्रह पर बुला लेंगे। अगर मुझे यही करना होता तो मैं 2 साल पहले भी कर सकता था। दो हजार पंद्रह संभालो अपने आप को। कब तक संभालू 212? मैं जानता हूं कि मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे पीछे मेरे परिवार वाले भी पृथ्वी पर आ गए। तो उनसे संपर्क करते हैं ना। ये तो मैं छा कर भी 2 साल से नहीं कर पाया, क्योंकि 1313 को अगर भनक भी पड़ गई कि मेरी तरह मेरे परिवार वाले इस पृथ्वी पर आ गए तो उन्हें भी चैन से नहीं रहने देगा। जैसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए मुझे तंग करता है, वैसे उन्हें भी तंग करेगा, और मैं अपने परिवार वालों को मुश्किल में नहीं डाल सकता। तो क्या 1313 के डर से तुम अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिलोगे? मिलूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यह पता करना होगा कि मेरे परिवार वाले इस पृथ्वी पर कौन से रूप में रह रहे हैं। उनके बारे में पूरी छानबीन करनी होगी किसी महफूज जगह पर जाकर। लेकिन सबसे पहले हम दोनों को अपने रूप बदलने होंगे ताकि 1313 हमें फिर से ना पकड़ सके। पर हम किसका रूप लेंगे? हम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते। रुको, मुझे यहाँ आसपास में क्या है देखने दो, लेकिन तब तक तुम चुप रहना, बिल्कुल मत बोलना, समझे? बापरे, ये तो बेयर एजेंसी है। अरे अरे, तो सबसे फंजरस है। फंजरस? फंजरस नहीं होता है, डेंजरस होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरे छोटे भाई -426 हो। वो तो हमारी एलियन वाली भाषा बोलने में भी गड़बड़ करता था, जरूर हिंदी बोलने में भी गड़बड़ करता होगा। ये देखो, इस नमूने की तरह, इसी नमूने की तरह। सनशाइन कॉलोनी, मुझे लगता है यहां हम सलामत रहेंगे। अरे यहां तो 100% हाफूस रहेंगे। हाफूस? अरे तुझे जब हिंदी नहीं आती तो उर्दू क्यों बोल रहा है? हाफूस नहीं होता है, महफूज होता है। महफूज, हाफूस, मैंगो। एक मिनट, ये देख, ये हा फू स, हाफूस मैंगो। ये मैंगो रत्नागिरी में मिलता है, हा? और ये पा य री, पायरी। ये जो होता है, समझ गया समझ गया। ठीक है, हम यहां से सनशाइन कॉलोनी चलते हैं। वहां जाकर सुरक्षित वातावरण में, जहां हमें कोई ना पहचान सके, आराम से बैठकर मैं अपने परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। रुको, रुको। 212, मुझे कस के पकड़ लो। हे, क्या कर रहे हो? सर, 2015 भाग गया, पता नहीं कैसे। तुमने सर को जोक सुनाया? नहीं तो, तूने गुदगुदी तो नहीं की? मैंने तो गुदगुदी का इशारा भी नहीं किया। क्या किया था? बेवकूफो, वो भागा नहीं है, उसे भगाया गया है।
उसे मैंने खुद भगाया है। आपने? पर क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि ये वेदर कंट्रोल मशीन 2015 और उसके भाई -426 और उसके बाप 9211 इन तीनों के सुपर पावर्स को मिला के ही रिपेयर हो सकती है। 2015 ये जान चुका है कि उसके परिवार वाले उसे ढूंढने पृथ्वी आ पहुंचे। मैं ये तो नहीं जानता कि वो किस इंसानी रूप में इस पृथ्वी पे छुपे हुए हैं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि 2015 यहाँ से भागकर सीधा अपने परिवार से ही मिलने वाला है, और जैसे ही वो अपने परिवार वालों से मिलेगा हम उन्हें पकड़ लेंगे और फिर उन सबको अपने काबू में करके उनके सुपर पावर से इस मशीन को रिपेयर करवा लेंगे और फिर इस पृथ्वी के हर एक जनजीव को जलाकर राख कर दूंगा और फिर इस पृथ्वी का किंग होगा 1313। सनशाइन कॉलोनी, ये जगह सुरक्षित लगती। सबसे पहले हम दोनों अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं ताकि 1313 हमें पहचान ना सके। हाँ चल रेफरेंस देखते हैं। हेमंत, अरे गेंडे कॉलोनी में गेंडे रहते? क्या कर रहे हो तुम? एक तो जल्दी है, ऊपर से तुम्हारी ये लेस, मैंने क्या कहा था तुमसे कि दोनों जूतों की लेस को बांधना, एक साथ बांधने के लिए नहीं कहा था मैंने। वर्षा, वर्षा, बसंत भैया क्या है? देखो मैं करता हूँ। क्या जरूरत थी इसे साथ होने की? ओ ये जोर से चिल्लाते हैं ना ये इंसान, मेरे पापा भी मेरे भाई -426 पर इसी तरह चिल्लाया करते हैं। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ 212। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग यहीं कहीं आस पास ही है। वसंत भैया थोड़ी शांति रखिए ना, मैं कर रहा हूँ। 2015 इतना इमोटिकल होने का समय नहीं है। राजन रस्तोगी, रियल एस्टेट ब्रोकर, सोल सेलिंग एजेंसी, सनशाइन कॉलोनी, ये ठीक रहेगा। एक काम करते हैं, मैं स्टेट एजेंट रस्तोगी बन जाता हूँ और तू क्लाइंट बन जा। अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे कि इस कॉलोनी में घर देखना है। ये रस्तों के आ गया तो वो कहां से आएगा? वो तो जेल में है। मैंने सारी डिटेल चेक कर ली कल। अरे भाई एक ही शक्ल के कई इंसान होते हैं, तू ज्यादा सोच मत। चल चल। आराम पापा, ये देखिए भाई। ए चकुड़ी तो एकदम शांति रख, चुप रह। कोटेला भाई आप लोग संभाल के रहना, वो सिटी का फोन आया था, उन लोगों ने एलियन की धरपकड़ शुरू कर दी है। वो क्लब हाउस थोड़ी देर में रात हो जाएगी, यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ आना और फोन करके अपने पापा से संपर्क कर ले। काश काश मुझे पता होता कि उन्होंने किसका रूप लिया है तो सैटेलाइट टेलीपैथी फोन का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। लेकिन वो फोन तो है ना हमारे पास। यहाँ है लेकिन फोन एक्टिवेट होते ही 1313 को पता चल सकता है। कोटाला भाई भगवान करे आप जहाँ जा रहे हैं ना आपको आपका पूरा परिवार मिल। मेरे कहने का मतलब है आपको आपका बेटा मिल जाए। चलिए चलिए चलो चलो चलो।